आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अयोध्या से जल्द शुरू होंगी उड़ाने, साथ में होता रहेगा एयरपोर्ट का विस्तार। सीएम योगी ने कहा ATR-72 जैसे विमानों के संचालन के लिए भारत सरकार ने दिए 250 करोड़। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विकसित करने के लिए ढेर सारी योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है आगे। 26 फरवरी का चक्का जाम जनपद में रहा बेअसर। गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा सांकेतिक रही बंदी, नहीं हुआ जनपद में कहीं भी चक्का जाम। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए बनाया गया है PCPNDT एक्ट। CMO ने कहा अल्ट्रासाउंड की सभी प्रकार की मशीनों और सेंटरों को एक्ट के तहत पंजीकरण कराना है अनिवार्य, किया जाता है आकस्मिक निरीक्षण, जिलाधिकारी के अनुमोदन से की जाती है कार्रवाई। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड नाले में मिला अज्ञात युवक का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, नहीं हो सका शव का शिनाख्त। चोरी की 5 मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 शातिर चोरों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। CO कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। महानगर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए DIG SSP जोगेंद्र कुमार ने की बैठक, ट्रैफिक कर्मियों को जाम से निपटने के लिए दिए कड़े निर्देश। गोरखपुर जिले में 29 जनवरी को वैक्सीन लगवा चुके लोगों को दी गई बूस्टर डोज, आधी आबादी ने दिखाया उत्साह। 3015 महिला और 1720 पुरुषों ने लगवाया टीका, कुल 4735 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त को खोराबार थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। CO कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। खाद्य तेल व दूध पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को सहजनवा के भीटी चौराहा पर खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने की छापेमारी। एक प्रतिष्ठान से सैंपल किया कलेक्ट, भेजा जाँच हेतु, रिपोर्ट आने पर की जाएगी अग्रिम कार्रवाई। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर का द्विवार्षिक चुनाव अधिवेशन सकुशल हुआ संपन्न, सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए पदाधिकारी, कर्तव्य निष्ठा की दिलाई गई शपथ। गोरखपुर में शुक्रवार को मिला मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,463। अब तक 365 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 18 रह गए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और मनोज श्रीवास्तव द्वारा रचित 6ठी पुस्तक तुमसे तो अच्छा है का SBI के DGM ने किया विमोचन, कहा यह पुस्तक बच्चों को आचरण और भारतीय संस्कृति के प्रति देगा प्रेरणा।